डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एज्यूमिंग दैट इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड डिसोसिएटेड आएगा आंसर। तो आपने एक सॉल्यूशन बनाया है दो लीटर वाटर लिया आपने, वाटर को हम ए मानते हैं, उसमें आपने 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4 डाला जिसको हम बी मानते हैं, आपसे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है सिंपल पाई, और आपको क्या बोला ये पूरा टूट जाता है। तो पहले तो इसका आई निकाल लो, K2SO4 पूरा टूटेगा तो 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 माइनस, तो आई क्या होएगा 3, एक पार्टिकल 3 में टूट रहा है, सो आफ्टर डिसोसिएशन 3 हो जाएंगे, पहले एक था आई हो गया 3। अब इसका मोलर मास पता करना होगा, आई इसका ना मोलर मास K2SO4 का 2 × 39, पोटाशियम का 39 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, 174 ग्राम इसका मोलर मास आएगा। अब सी निकाल लो, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन आएगा गिवन मास डब्ल्यू अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। मोलर मास गिवन मास है 25 मिलीग्राम है, कितना है 25 मिलीग्राम, सो 25 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय मोलर मास 172, वॉल्यूम है 2, 7.184 इंटू 10⁻⁵ आ जाएगा इसकी मोलैरिटी। पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, आई की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू इतनी है, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 298, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 0.0527 atm। अगेन ऑस्मोटिक प्रेशर में ना यूनिट्स ध्यान में रखना, यूनिट्स को ध्यान में रखते ही आर की वैल्यू चूज करना, नहीं तो गलती हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2, आई इसका दे रखा है 2.47 डिसॉल्व्ड इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज
0.75। जीरो पॉइंट सेवन फाइव ए टी एम एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको क्या बोला है? आपको बोला है कि टू पॉइंट फाइव लीटर वाटर है, उसमें आपने कुछ सी ए सी एल टू डाला, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा था 0.75 एटीएम, टेम्परेचर 300 केल्विन, आई भी दे रखा है 2.47। कितना डालना है डब्ल्यू? डब्ल्यू निकालना है आपको, वेट निकालना है इसका। तो बड़ा आसान है जी। तो देखो पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, ऑस्मोटिक प्रेशर 0.75, आई की वैल्यू 2.47, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी ए सी एल टू डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम 2.5 है, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 300। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी ए सी एल टू आ जाएगा 0.3082 मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा वेट निकालना है ना, वेट क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल आ गया 0.3082, इसका मोलर मास आएगा 111। सॉल्व करेंगे तो 3.42 ग्राम आंसर है।